ये कहा? भरोसे है वहां पे बना रहना बहुत आवश्यक है, वहीं पे रहिए आप। हुकुम मजा फरमाया उदय सिंह जी ने। सुल्तान सिंह जी अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, आप बेमजा खलल मत डालिए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता, जौहर आरंभ किया जाए। जान प्यारी है तो हट जा सामने से देव को फौरन। अरे जानते नहीं, ये रानी निवास है और यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना निषेध है। अगर तुम अफगानों को हमारे सैनिकों ने देख लिया तो देखते ही काट डालेंगे। तुम्हारे सैनिक देख ही नहीं पाएंगे। हट जा सामने से। कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही सही, और वैसे भी तुम्हें मारकर हमें कोई गम नहीं होगा। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। कितनी जबर औरत थी, तीन आदमी मार कर लाए। इसे छोड़ो, प्रताप को पकड़ो। वो
लोग किसी भी हाल में हमारे झंडे के पास नहीं पहुंचने चाहिए। राज खान, सबको बाऊजी राज के पीछे भेज दोगे तो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? चिंता मत कीजिए, ध्वज के लिए आगे बढ़िए बाबूजी राज। छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो तो जाओ, जाके कह दो अपने शम्स खान से, इनायत खान इस संसार से कूच कर गया है और अब उसकी बारी है। बाजीराज हमारे ये दूर क्या हुआ? हुजूर हुजूर, इनायत खान, इनायत खान अल्लाह को प्यारे हो गए। इनायत जा गया, इनायत हमें अच्छा लग रहा था शमस खान कि तुम हमारे साथ वीरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपनी कायरता पे उतर आओगे। तुम जाए कुछ भी कहो उदय सिंह, यह हमारी हमेशा की रवायत है, जब हमारे दिल में आता है कानून बदल देते हैं। हमारा आजीज इराद चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उदय सिंह का असली खजाना यहाँ जमा है, एक से एक नायाब जवान जमा कर रखे हैं। हमको बड़ा रहम आ रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें प्यार से इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, क्या तुम इसे ऐसे जाया करोगे? छोड़ नाराज, छोड़। आवाज करी रहे, वरना यही सबके सामने तेरी गर्दन उखाड़ डालूंगा। छोड़ दो उसे अफगान सरदार, तुम्हें अभी एक क्षत्राणी की शक्ति का आभास नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ जलकर खाक हो जाए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर है हमारे सरदार के एक दिन पैगाम से, इनका हुक्म है कि आप सब लोगों को इनके सामने बाइज्जत पेश किया जाए। छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? लो, तो छोड़ दिया। छोड़ दो रुक्मणी को। इसका नाम रुक्मणी है, कैसा नाम, कैसा रूप। ये रिकाबी है सिंदूर, हैसी करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? आओ खूब मत करो। हम कहते हैं रुक्मणी को छोड़ दो। ये बात हमें पसंद नहीं आई, लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। ले, छोड़ दिया,
अब तुम मेरे पास आओ, आओ ना। का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। हमें आप पर गर्व है। राणा जी आज यहाँ होते तो उन्हें भी हम पे गर्व होता, है ना जीजा? क्यों नहीं, पर यदि राणा जी यहाँ होते तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पर आज हमें राणा जी की रानी कहलाना सार्थक हो गया। जानती हैं जीजा, हमारे मन में यूं शत्रु से निडरता के साथ सामने करने का बीज कैसे पड़ा? कैसे? जब हमें पता चला कि कुंवर प्रताप इतनी बाल आयु में मेवाड़ का ध्वज लेके रणभूमि में कूद पड़े, तो हमारे मन भी मातृभूमि के प्यार के लिए उजारे मारने लगा। एक लिंगनाथ जी, कुंवर प्रताप की रक्षा करना उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा मन कहता है कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Thank you.
गया महारानी सा, मेवाड़ उजड़ गया। धीरज से बोलो, क्या हुआ? रणभूमि से क्या समाचार है? महारानी सा, हमारी सारी सेना लगभग खप चुकी है, सब अलग थलग पड़ गए हैं। और राणा जी? सब ओर से शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया है, वो घायल है महारानी सा, फिर भी वो अकेले शत्रुओं से जूझ रहे हैं। ग्वालियर वाली टुकड़ी भी अब तक नहीं पहुंची है, ऐसे में हमारे सैनिकों का उत्साह दबा हुआ है महारानी सा। और कीर्ति स्तंभ पे अभी भी अफगानियों का ही झंडा लहरा रहा है। और कुंवर प्रताप, उनकी क्या सूचना है? केवल इतना ही पता चला है कि राजाना बहादुर जी की टुकड़ी अभी भी शत्रुओं से जूझ रही है, और इसमें हमारे बहुत से सैनिक वीर गति पा गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। बहनों, मेवाड़ की गौरव ज्वाला में मर मिटने की बेला आ पहुंची है। हम तैयार हैं। जय मेवाड़। जय मेवाड़। का निर्णायक पला पहुंचा है, लक्ष्य हमारे एकदम सामने। हम सबको एक साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। फौजी राज, अब समझ रहे हैं ना? जी। हम सब अपनी ढालों को मिलाकर एक संयुक्त ढाल बनाएंगे, और उसी ढाल के पीछे सब एक ताल से चलते हुए शत्रु के ध्वज की ओर धावा बोलेंगे। फौजी राज, आप संयुक्त ढाल के ठीक पीछे रहेंगे। जब हम शत्रु को चकाते हुए कीर्ति स्तंभ की ओर आगे बढ़ेंगे, तो हम शत्रु को उलझा के रखेंगे, और आप मेवाड़ का ध्वज हाथों में लेके संयुक्त ढाल के ठीक पीछे से चलते हुए आगे की ओर दौड़ेंगे। साथियों, इस अभियान में हमारे शेष साथी मेवाड़ के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं, और अगर एकलिंग जी ने चाहा तो हम सब भी वीर गति पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर। बाऊजी राज का एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पर राज राणा जी। बाऊजी राज, आप मेवाड़ के भावी महाराणा हैं, लेकिन इस अभियान में आप मेरे अधीन हैं, इसलिए जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेंगे। हम आपको वचन देते हैं राजराणा जी, आपका विश्वास अटूट रहेगा, ये ध्वज और हमारा सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा।